हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट्स इज रिपीटेड। यानी कि हमारे पास जो प्लेसेस दिए हुए हैं वो तीन है, तीन डिजिट के नंबर हमको बनाना है। तो तीन डिजिट का नंबर है तो ये 1, 2, 3, ये तीन डिजिट का नंबर हो गया। और जो कितने डिजिट से बनाने हैं तो 1 से लेकर 9 तक, यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हुए, नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू कितने हुए, 9। 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हुए, 9 डिजिट। और नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हो गए, तो नंबर ऑफ प्लेसेस जो है वो 3 हो गए। तो चूंकि तीन ही नंबर का हमको नंबर बनाना है, तो बताइए कि जब भी कोई डिजिट जब रिपीट नहीं कर रहे हैं तो जो है वो कितने पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए सिंपल से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग NP3 का, है ना। NP3 यानी कि n कितना है, 9। 9P3 इज इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला होता है, मैं इस फॉर्मूला को यहां लिख देता हूं कि NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन का, उसी पर हम लोग इसको बेस्ड कर रहे हैं। देखिए ये हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 में से 3 चला गया 6 फैक्टोरियल। कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर देना है। तो 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 504 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, नोट करिए।